ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। पेश है समराला तो साढ़े पत्रकार लखविंदर सिंह कतरी की यह रिपोर्ट। मेरा नाम है जी प्रीति डोगरा, मैं समराला की रहने वाली हूँ। पहली चीज़ जो अपने एक्सपीरियंसिस तो बंदा सीखता है हमेशा, एक चीज़ मैं भी बहुत सीखी अपने एक्सपीरियंस तो, अपन कुछ चीज़ा जड़िया मेरे तो नहीं हो पाई, सो मैं वो सब कुछ अपने आप से एक्सपीरियंस करके दैन रियलाइज़ किया कि जो ये पंजाब का बेस जा रहा है। देखो कुछ तो जो है ड्रग्स एडिक्शंस ने अपने यूथ नू बहुत ख़त्म कर दिता, उस तो बाद कुछ हिस्सा जो पंजाब तो माइग्रेट होकर जा रहा है फॉरन कंट्रीज़। सो एक अपने को रहेगी कि बच्चों का स्कोप की है, बच्चों का फ्यूचर की है, ठीक है। सो वो अकॉर्डिंगली मेरे मन च एक आइडिया आया कि जो मैं अपन कमिया च लभ्या वो मैं क्यों ना किसी को देवा, ठीक है। सो उस तो बाद जो है सर ने तजिंदर सिंह गरेवाल ने उन्होंने मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वे ना लिया कि अगर तुम करना चाहते हो तो असी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट के बेस से लवेंगे, क्योंकि वो सोशल वर्कर ने एंड उन्होंने असी परसनली एक चीज़ देखी है कि वो अपने बारे घट और समाज बारे ज़्यादा सोचते आए हैं शुरू तो, जिमें कि तुम्हें देखा ही होएगा कि वो बाकी भी सोशल वर्कर है, सोशल वर्किंग के बेस से बहुत कम कर रहे हैं समराला के। सो उन्होंने मैं ये किया कि जो एजुकेशन क्रिटेरिया वो तेरा प्रोवाइड होएगा, बट जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट करांगे, आप जो ये छोटे बच्चों अगर बेस तो क्लीयर हुंदा तो आप इन्हों तो कमाना कुछ नहीं है। फिर एक चीज़ हुई जो मैं स्टार्टअप लिया, फिर मैं सोचा कि बच्चों किस तरह पढ़ाया जाए, जे तो जिमें आम कॉम्पीटिशन होंगे ने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे ने 200 रुपी चार्ज करते हैं एक एक सब्जेक्ट्स तो, एंड उस तो बाद की करते हैं कि एक वर्कशीट की फॉर्मैलिटी करते हैं कि इस तरह का सैंपल आएगा एंड तुम उस कॉम्पीटिशन जो है अपेयर होना। बच्चे जिन्होंने बेस कॉम्पीटिशन का पता भी नहीं होंदा, वो उन्होंने बड़िया बड़िया बुकलैट्स जो कि मार्केट चो सेलरस ने अपनी मर्जी ना प्राइजिज लगा के बेचते हैं एंड ओलंपियाड्स वगैरह इदा के कॉम्पीटिशन ने वो पर्टिकुलर बुकलैट्स के आता है, पर हुंदा की है बच्चा वो बुकलैट कदे भी नहीं पढ़ पाता। देखो जो स्कूल की स्टडी की गल करिए बच्चों असी उन्नी ही बुक्स मसी बहुत मुश्किल के नाल जड़ा है वो प्रोवाइड कर पाने, बहुत मुश्किल ना गो थ्रू करवा पाने। अगर बच्चों असी एक्सट्रा बुकलैट्स प्रोवाइड कर देंगे तो वह किवें मैनेज कर पाएंगे, बच्चे कभी भी नहीं पढ़ने। फिर मैं आइडिया सोचा कि क्यों ना एक कॉम्पीटिशन ऑर्गेनाइज किया जाए कि अगर मैं इदा कहूँगी कि मैं फ्री पढ़ा रही हाँ या कुछ कर रही हाँ कि कुछ बच्चे भी ईगर नहीं होंगे, उन्होंने ईगर भी इंट्रस्ट नहीं बनेगा एंड मेरा भी कुछ ईगर इंट्रस्ट नहीं होएगा। फिर मैंने बैठे बैठे एक दिन आइडिया आया क्यों ना ग्रुप्स का जो कि कॉम्पीटिशन का सहारा लिया जाए, कॉम्पीटिशन का सहारा लिया जाए, बच्चे जो 200 पे करते हैं वो फ्री कॉम्पीटिशन पार्टीसपेट करेंगे, बहुत एप्रीशिएट होंगे, उन्होंने उत्साह बधूगा चीज़ों लैके पढ़ाई में लैके। चलो मैं कॉम्पीटिशन ऑर्गेनाइज कर लिया, उस तो बाद जी क्रिटेरिया आया कि हूँ बुक्स किमें प्रोवाइड की जाए, फिर मैं उस तो बाद बुक्स का कि बच्चे को पूरी बुकलैट नहीं प्रोवाइड करा, इंट्रस्ट क्रिएट करा, फिर मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स जीके दे कुछ हिस्ट्री चो कुछ जोग्राफी चो हरेक अलग कंटेंट तो जो है टॉपिक्स लैके बच्चों PDF फॉर्म के पढ़ाना स्टार्ट किया एंड बच्चों वो इंट्रस्टिंग लगा, क्योंकि जो बच्चा PDF देखता कि मैं सिर्फ 40-30 पेज ही पढ़ने एंड कॉम्पीटिशन अपीयर करना, बच्चा जिमें कि तुम्हें सुनिया होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये उस तरह की चीज़ थी कि बच्चा जेडे बच्चे हूँ प्राइमरी लैवल तो एलीमेंटरी लैवल तो जुड़ गए आ, प्लस टू वाले बच्चे बहुत लेट ने, एलीमेंटरी प्राइमरी वाले लैवल वाले बच्चे आ उन्होंने IAS टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, IAS टफेस्ट एग्जाम है, बट उन्होंने IAS का एग्जाम टफ लगेगा ही नहीं अगर बच्चे इस चीज़ नाल रेगुलर जुड़ के रहेंगे एंड ये साडा कोई भी जो है कदे भी जिहड़ा बच्चा हुण तो मैं टॉप 20 च मिलिया टॉप 30 च मिलिया जिहड़ा ईगर है कि नैक्सट प्रोसीजर लई उन्हों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी सारा कुछ, मेरा सब कुछ नैक्सट प्रोसीजर भी अगला कॉम्पीटिशन दिसंबर का लास्ट संडे असी पिक करांगे, उहदी डेट लास्ट संडे की होएगी इन दिसंबर मंथ इस ईयर का एंड सेम इस तरह ही सारा क्रिटेरिया लैके चलोंगे एंड मैं जो बैटर इस तो भी बैटर अरेंज करन की कोशिश करूँगी कि मेरी हैल्प नाल बच्चे बाहरले देशों माइग्रेट होने की बजाय कुछ सिविल सर्विसेज नूं औखे एग्जाम्स नूं क्लीयर कर लैन आसानी नाल और पहले पहले अटैम्प्ट असीं इन्हां नूं ऑफिसर यूनिफॉर्म से देख पाइए कुछ उच्चे अहुदिआं ते देख पाइए तां कि ओह पंजाब दी एडमिनिस्ट्रेशन संभालन एंड पंजाब नूं अपने तरीके दे नाल चेंज करन की कोशिश करन, क्योंकि नवीं जनरेशन अपना फ्यूचर है वो नवे आइडियाज़ लैके आउंदी आ, उही नवे आइडियाज़ बाहर जा रहे हैगे आ। सो यही मेरा प्रोसीजर सीगा सर।
सिलेबस का देखो जिवें मैं आम अपनी प्रैपरेशन करती रही हूँ UPSC सिविल सर्विसिज से, मैं सारे अटैम्प्ट दिते, कुछ कमियां करके मेरा नहीं हो पाया 6 दे 6 अटैम्प्ट दे विच। उस तो फिर मैं यही सीखा कि मेरे को ऑलमोस्ट घर 50 दे 60 के करीब लाइब्रेरी बनी हुई है, जिस 50-60-100 के करीब बुक्स है। मैं बुक्स के थोड़ा थोड़ा कंटेंट पिक्स की फॉर्म के लिया, अपने फोन से स्कैन करके पिक्स लिया, उन्होंने PDF क्रिएट की एंड बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया और वो क्वेश्चन पेपर सैटअप किए। सारा कुछ पर्सनल मैं घर ही ऑर्गेनाइज़ किया, ये कोई भी किसी भी तरह की मैं हेल्प किसी की नहीं ली एंड सारा सिलेबस कंटेंट एंड सब कुछ मेरा जो सी पर्सनल से। पहली गल तो चलो मैनू अज का जो प्रोग्राम ना बहुत बड़ा होकर निबड़िया, लगभग 650 के करीब बच्चों ने भाग लिता, ज्ञान जागरूकता जोड़ा ये मुकाबले से ये बच्चों ने मतलब बड़ी खुशी हुई जो बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता, पूरे पंजाब चो बच्चे आए थे तो बड़ा चंगा लगे। एक कोशिश की गरल साहब ने की मूहे होकर चलो नाल अस सारे थी, पर जे टोटल देखिए जो सूँ अज रिजल्ट मिले वो बहुत ही चंगा मिले। सारे बच्चे मापिया नाल बख बख अपने जिले चो आए तो उन्होंने भाग लिता। आइडिया किमें आया MLA साहब, उम्मीद सी भी इन्ना रश हो जू पंजाब बच्चे, जिमें कह लो भी कुछ चंगा सोच के किया तो है, पर जो अज रिजल्ट मिले वो बहुत ज़्यादा वधिया मिले। एड्डी उम्मीद नहीं थी जिन्ना रिजल्ट मतलब मिले, जिमें मापे दूरों दूरों आए थे, बच्चों भी पूरा उत्साह से। तुम देखो भी सवेर का मुकाबला शुरू होया, हुण तक मापे हजे इत्थे रिजल्ट सुनने की वेट च भी बैठे थे, तो मन बड़ा वधिया लगे सारा कुछ। ये होएगा कि अगली बार तो भी ये नहीं, साल च जिहड़ा साडा हैगा मेन मकसद भी साल च असीं 2 बार मुकाबले करा करिए, तो लगभग 2 महीने का टाइम थी साढ़े को, पर 2 महीने के जिन्ने बच्चे आए वो बहुत ज़्यादा थी, तो ग्राहों इदों बद के असी भी अपने वालों वधिया उपराला करूँगा, इदों वधिया हो जो कुछ भी है, तो पंजाब पद्धर का मुकाबला ये वो तो वो बच्चों को कोशिश करूँगा भी ये जुड़न, तो इतने आके जिम्मे अब मुकाबला हो मुकाबले का हिस्सा बन सारे। तेजेंद्र सिंह गरेवाल, शहरी प्रधान आम आदमी पार्टी संभाला। जो बच्चे ने जी ये पूरे पंजाब चो आए हैं, जो साड़ा सुपना सी मान साहब का कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का, असी उन्होंने सहयोग न एक छोटा जहा योगदान जो उन्हें सोच आ उस दिन असी प्रवान करते हुए एक छोटा जहा उपराला आपके वालों शुरू किया शहर समराले विच, कि बच्चों असी जो सिविल सर्विस उन्हें कोचिंग होंगी वो असी फ्री ऑफ कॉस्ट 3rd to 12th तक बच्चों देिए, 3 बैच बना के इस असी उपराला शुरू किया है, तो सानू बहुत खुशी है कि साड़ी फस्ट अटैम्प्ट ही तकरीबन 660 के करीब बच्चे जो पूरे पंजाब आए हैं, कोई पटियाले तो कोई फिरोजपुर तो कोई अपना मोहाली तो खरड़ तो फतेहगढ़ साहब तो गोविंदगढ़ तो, मैं तुम दस ज़्यादा कितों कितों लुकी आए हैं। असं बहुत धन्यवाद करते हैं पेरेंट्स का, जो बच्चों लिए जागरूक ने वो बच्चों इस तक लैके आए हैं। सानू बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पहली बार से सानू 660 के करीब बच्चे मिल जाएंगे। असं तो साड़ी जो मैडम मेरी गल होंगी सी, असं ये भी 300 बच्चे भी असं जे कि टारगेट करके असं लै लीए 300 का टारगेट बच्चों का, तो सानू बहुत खुशी होनी सी, पर यह तो 660 अनबिलीवेबल। जब तक परमात्मा साथ देगा, हाथ पैर साथ देंगे, मैडम साथ देंगे, हेल्थ वाइज अभी साथ होगा सारा कुछ, तो असं ये साल के 2 बार करवाया करना वा। अगली जोड़ी होगी यह प्रीख्या दिसंबर की जाऊगी, तो ये लगातार हर साल 2 बार होया ही करूगी। मेरे बेटे का नाम है जी जियोगर, तो मेरा नाम है पायलगर, असी समराला तो हाँ, तो मेरे बेटे का फर्स्ट प्राइज निकले जी। एग्जाम होया पंजाब च फर्स्ट टाइम किसे कोई करा रहे कि मेरा करा, ये बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं पंजाब सरकार ने, तो साडे प्रीति मैम ने उन्होंने हसबेंड ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं बच्चों नवा टैलेंट लभन लिए, उन्होंने पंजाब के रहन लिए उन्होंने अच्छी नौकरियां प्राप्त करने लिए बहुत वधिया उपराला किया है। टेस्ट जिहड़ा होया किस लैवल का टेस्ट से? ये टेस्ट जी बहुत हाई लैवल का टेस्ट सेगा, बच्चों की मेहनत तो प्रीति मैम के हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा सक्सैसफुल रहा जी। बच्चों के ओलंपियड स्कूल के होंगे रेंदे हैं, बट एक डिफरेंट लैवल का टेस्ट सेगा। पंजाब सरकार ने बहुत वधिया उपराले किए हैं अपने पंजाब के बच्चों अपने पंजाब के ही रखन का, ये बहुत वधिया एफर्ट्स हैं, असं बहुत एपरीशिएट करते हैं, सारा समराला बहुत एपरीशिएट करते हैं, क्योंकि प्रीति मैम ने एक इनिशिएटिव लिता है सारे बच्चों अगे वधाने। सिमरन कौर अते सिंह हेड़ियां तो रहने वाले हाँ, तो मैं गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज पर विमेन चार साहब तो पढ़ती हूँ। एक्चुअली मैं एक एग्जाम के बारे न्यूज़पेपर के रीड किया और कंटैक्ट नंबर सानू प्रोवाइडड सीगा, सो असी उस कंटैक्ट नंबर से कंटैक्ट किया, तो उस तो बाद असी रजिस्ट्रेशन करवाई, उपरंत सानू साडा सिलेबस भेजा गया। सिलेबस भेजन तो बाद मैं नियमित तौर पर अपना तैयारी शुरू की, तो अज एग्जाम पहली पोजिशन हासिल करके मैंने बहुत माण महसूस हो रहा। पेपर
ठीक सीगा, मतलब जिदा आप IAS PCS की तैयारी करते हैं उसके करंट अफेयरस के नाल रिलेटड अपना सिलेबस सीगा, बाकी साइंस या नवी नवी टेक्नोलॉजी सी उस रिलेटड अपना सिलेबस सी, तो ठीक सीगा, मतलब बहुत वधिया तैयारी की। ये सरकार वालों बहुत ही ज़्यादा वधिया उपराला है, तो बच्चों ज्ञान बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा। उन्होंने जो अहदे ने बड़े बड़े अहदे ने उन्होंने प्राप्तियां करने में उन्होंने मददगार रहेगा। प्रदीप भारद्वाज थर्ड इन्ना मुश्किल तो नहीं थी, गरीब पर कर दिता सौखा था जी। मेरी मम्मा ने जी वो साढ़े स्कूल दसा गया। मेरा नाम जियो सी जियो गर्ग, रिलेटिव वगैरह तो पता लग्या सी, फिर मैं घर आके मम्मा ने गल की, उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किया, फिर मैम असं ट्यूशन जाते मैम को, मैम ने गाइड किया इदा क्वेश्चन आने हैं, फिर असं अज पेपर देने वास्ते अपीयर हुए थे फर्स्ट टाइम। बहुत टफ लैवल से पर हार्ड वर्क करने कुछ भी अचीव हो सकता है।